हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे मोशन की प्रैक्टिस। तो इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन है इसका, व्हेन इज अ बॉडी सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कब एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है उसकी? तो इसका सॉल्यूशन है, व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, हाउ एवर स्मॉल और बिग टाइम इंटरवल्स में बी ऑब्जेक्ट सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। सेकेंड क्वेश्चन देख, ट्वेल्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका। अंडर विच कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड? किस कंडीशन में जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो एवरेज स्पीड के इक्वल होगा? तो इसका सॉल्यूशन है, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव इन सिंगल स्ट्रेट लाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड। जब ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में तब उसकी मैग्नीट्यूड जो होगा उसका एवरेज वेलोसिटी ऑफ एवरेज स्पीड वो दोनों इक्वल होगा। थर्टींथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू कैन बी जीरो अंडर सर्टेन कंडीशंस, एवरेज स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट और एवरेज वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी। विच ऑफ टू कैन बी ज़ीरो, इनमें से कौन सा जो होगा वो ज़ीरो होगा किस कंडीशन में? तो इसमें जो एवरेज वेलोसिटी का आंसर है क्यों होगा, क्योंकि जिसमें इसमें डिस्प्लेसमेंट जो होता है एवरेज वेलोसिटी में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ज़ीरो हो सकता है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, फोर्टीन्थ क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ सिचुएशन इन विच ए बॉडी हैज सर्टेन एवरेज स्पीड बट इट्स वेलोसिटी इज ज़ीरो। एक एग्जांपल देना है एक सिचुएशन का जिसमें बॉडी एक स्पीड ले, एक सर्टेन स्पीड एवरेज स्पीड होगा लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, मोशन ऑफ बॉडी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम होम टू शॉप इन वन डायरेक्शन। एक मोशन ऑफ बॉय, एक बॉय का जो मोशन होता है वो अपने होम से शॉप में एंड बैक टू होम इन रिवर्स डायरेक्शन is an example of situation in which a body has certain velocity but velocity zero। तो एक boy home से जाएगा shop पे और shop से वापस आएगा home, तो इसका जो displacement हो जाएगा यानी जो velocity हो जाएगी वो zero हो जाएगी और ये एक average speed भी cover करेगा। एक example है। 15th question है इसका, वट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी? तो इसका सोल्यूशन है कि वेन ए बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। जब एक बॉडी मूव होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ही ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो होगा। 16th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन? माइनस का एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नेम क्या है? रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड द रिटार्डेशन। 17th है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज ऐसा यूनिट इज। तो मीटर पर सेकंड किसका ऐसा यूनिट होता है? ये स्पीड का भी होता है और वेलोसिटी, इसमें दोनों
एक ही होता है, और जो इसका बी का आंसर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज एक्सिबिटेड बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कौन सा टाइप का मोशन होगा फ्रीली फॉलिंग बॉडी में? तो इसका सॉल्यूशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। 19th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन? रिटार्डेशन का जो हमने पहले अभी पढ़ा था उसको एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, बोलते हैं एक्सेलरेशन भी, बट रिटार्डेशन में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो हम रिटार्डेशन को दूसरा नाम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी दे सकते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन और माइनस नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो इसका है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 19th क्वेश्चन है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स। ब्लैंक्स भरने में ए है हमारा डिस्प्लेसमेंट इज डैश क्वांटिटी, वेयर एज डिस्टेंस इज डैश क्वांटिटी। इसको हमें पढ़ने से आंसर पता चलिए, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और डिस्टेंस क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी होता है। द फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स बोथ, फिजिकल क्वांटिटी जो हमें दोनों देती है, स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड ए, उसको क्या कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो उसको वेक्टर क्वांटिटी भी बोलते हैं। इसका आंसर जो है वो वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी क्यों है? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट दोनों होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस सी वाले में क्या आना चाहिए। सी वाले में यहाँ पे मोटरसाइकिल हैज स्टडी डैश ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसमें क्या आना चाहिए, किसका यूनिट होता है, ये एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, तो इसमें क्या आना चाहिए, इसमें आना चाहिए एक्सेलरेशन। चेक कर लेते हैं, यस एक्सेलरेशन है। दिस मीन दैट एवरी डैश इट्स डैश इंक्रीज बाय डैश। तो इसका मतलब क्या है एक्सेलरेशन का, कि एवरी एवरी क्या, यहाँ पे इट्स इंक्रीज वेलोसिटी बाय टाइम होगा, और एवरी सेकेंड में, ठीक है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पे एवरी सेकेंड में इंक्रीजेस इट्स वेलोसिटी, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड है। चेक कर लेते हैं, एक्सेलरेशन है सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में होगा, वेलोसिटी है और 3 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डैश। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, और इट इज मेजर्ड इन डैश। इसको मेजर किस में किया जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। इसका आंसर है वेलोसिटी। ओके, देख इसका देखते हैं हम, इसमें वेलोसिटी सही है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा, और इसको मेज़र किया जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रैक्टिस